देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। सचमुच गोपाल, मैं तुम्हें जितना ही देखता हूँ उतना ही आश्चर्य होता हूँ। क्यों महाराज, आश्चर्य क्यों हो जाते हैं? मैं कोई महल हूँ या अजूबा कि न कोई समाधि? मतलब मैं कोई शिल्पकार हूँ क्या जिसे देखकर आश्चर्य हो जाते हैं? सचमुच गोपाल, तुम बड़े दो मुँहे हो। सच बात यह है कि स्पष्ट बात कहने से आदमी दो मुँह हो जाता है, समझे? देखो गोपाल, मुंह संभाल करके बात करोगे? आँख मत दिखाना, बिल्कुल आँख मत दिखाना। आहा, फिर से शुरू हो गए तुम लोग। झगड़ा तो वही शुरू किया पहले। मैं शुरू किया न क्या, पहले तो तुम शुरू हुए। आहा, कहाँ चैत दैशाख के महीने में हवा का आनंद लेंगे और यह आपस में दो कहानियाँ कहते कचर मचर मचर कचर काले हाथी जैसे शुरू हो गए हैं। क्या करें, सचमुच तुम लोग भी ना। तो हाँ, क्या बोलना चाहता था मैं? वही महाराज, आश्चर्य होने वाली बात। सचमुच इतनी बुद्धि कहाँ से पा गए गोपाल? तुम जानने की खूब इच्छा है। बहुत लंबी कहानी है, बोलने में समय लगेगा। समय लगे फिर भी मैं सुनूंगा। अबू चंद्र, क्या बोलते हो? जरूर जरूर महाराज, गोपाल की बुद्धि पाने की बात मैं जरूर सुनना चाहूँगा। गोपाल शुरू करो, शुरू करो। ठीक है तो सुनिए, बहुत समय पहले की बात है। मैं तब छोटा था, विद्यालय में पढ़ने लिखने जाता था। क्या पढ़े बोलो तो? काकस्य परवेदना किसे कहते हैं बताओ तो? मास्टर जी, ये मुझे काकस्य परवेदना बताओ। मछली कहाँ से सांस लेती है? मछली सांस पूछ लेती है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। खड़े हो जाओ। अरे रोहन, गोपाल नहीं आया? स्कूल के बहाने कहीं गया ना क्या? हाँ मास्टर जी, आना तो दूर की बात है, दो दिन उसे दिखा ही नहीं। हाँ मास्टर जी। क्या बोल रहे हो? उसके घर कोई बीमार पड़ गया ना क्या? नहीं, छुट्टी के बाद गोपाल के घर जाना पड़ेगा। मास्टर जी आज थोड़ा जल्दी छुट्टी देंगे? क्यों? आज ना रावणगढ़ में रामलीला चल रहा है, देखने जाऊंगा। ठीक है, आज जा रहे हो जाओ, लेकिन सावधान, कल कोई अगर अनुपस्थित रहा या पाठ याद नहीं किए तब तुम लोगों के सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति है। हाँ हाँ मास्टर जी, कल हम जरूर पढ़ा याद करके पाठशाला आएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है अब जाओ। नहीं, मैं भी चलूं गोपाल का पता लगाने। मैं रावण हूँ, त्रिलोक मेरे नाम से कांपता है। तुम एक सामान्य स्त्री हो, ज्यादा इधर उधर करोगी तो लंका उठा कर ले जाऊंगा। तुम क्या मेरे ससुर हो जो तुम मुझे लंका उठा कर ले जाओगे? अरे वह तो गोपाल लगता है, विद्यालय छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है, जाकर देखूँ तो? मुझे तुम्हारा पति मारेगा। उसके आगे ही मैं उसे मार डालूंगा। छोड़ छोड़ छोड़, मेरा कान दुख रहा है, छोड़ छोड़। दुख रहा है अभी दुख रहा है। बोलो, 3 दिन कहाँ थे, विद्यालय क्यों नहीं गया? सच सच बताओ, नहीं तो डंडा मार कर तुम्हारा चमड़ा उधेड़ दूँ। बोलता। विगत परसों तो शुक्रवार था, पंजिका में लिखा था शुक्रवार को आंधी तूफान बरसात भूकंप ये सब आने वाले हैं गुरुजी। घर से कोई बुला डर के मारे मैं विद्यालय नहीं गया। अच्छा, कल क्या हुआ था? पड़ोस की चाची मर गई थी, पिताजी बोले चाची तुम्हें अपना बच्चा मानती थी, आज विद्यालय मत जाओ।
उसके आत्मा की शांति के लिए ही हम लोग शोक पालन किए थे। ओ समझ गया समझ गया। और आज क्या हुआ? कल रात में भगवान श्री रामचंद्र दर्शन देकर तुम्हें यहाँ रावण बंद देखने के लिए बोले, इसलिए विद्यालय नहीं आया? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मतलब? चुप शैतान, तुम्हारी शैतानी मैं नहीं समझता हूँ। और इसी छाता से पीट पीट कर। अरे बाप रे। जिधर भी देखता हूँ चारों ओर नरमुंड दिखाई दे रहा है, सब मोती जैसे सफेद। ऐसा लगता है चारों ओर संगमरमर की गोलियाँ बिखरी, उन्हें देखकर शरीर के रोए खड़े हो जा रहे हैं। उसके बावजूद भी बहादुरी के साथ आगे बढ़ते जाऊंगा। अजीब दृश्य है, अस्पष्ट नहीं धुंधला धुंधला सा, कोई हाथ हिलाकर मुझे बुला रहा है, ऐसा ही लगता है। आओ थोड़ा पास आओ और पास आओ और पास आओ, आओ आओ और पास आओ। नरमुंडो के जाने के बाद मैं चुपचाप खड़ा हो गया और उसी समय सुनाई दिया ओम ध्वनि। लग रहा है वह ध्वनि बहुत दूर से आ रही है। नहीं, इस बात का पता लगाना होगा। वैसे तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। उस ध्वनि की आवाज़ सुनकर मैं ध्वनि का पता लगाने के लिए उसी ओर जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद देखता हूँ एक विचित्र घटना। एक सन्यासी चिता के ऊपर ध्यान मग्न था, उसे चारों ओर से घेर कर कंकाल नृत्य कर रहे थे। फिर भी मैं निर्भय होकर साधु की ओर बढ़ता गया। अचानक साधु की आंखें खुली, उसकी दोनों आंखें अग्नि कुंड के समान लग रही थी। धीरे धीरे उसके आंखों की ज्वाला शांत हो गई, हंसमुख शरीर वाला सन्यासी दिखाई दिया। उसके चेहरे पर अपूर्व शांति झलक रही थी। उसके चेहरे और आंखों पर बम काली, ए नरकंकाल, मेरी बात ध्यान से सुनो, दूर रहो दूर रहो, उसे आने के लिए मार्ग दो, आओ आओ वत्स, आओ आओ गोपाल, आओ पास आओ। प्रणाम साधु महाराज। अरे तुम तो बहुत साहसी हो बेटे। मेरे पास डरने वाली बात बहुत कम है साधु महाराज। बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारी दृढ़ता और साहसिकता का पुरस्कार देना चाहता हूँ। आओ आओ मेरे पास आओ, आओ। जी हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। वत्स, मंत्र तुम्हें अच्छी तरह याद है तो? जी हाँ साधु महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलना शुरू करूं? नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं, भूल कर भी नहीं। अपने इष्ट देव को मन ही मन याद करके जीवन में केवल एक बार ही इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, दोबारा नहीं।
पहली बार उच्चारण करने से क्या होगा महाराज? पहली बार उच्चारण करते ही यह मंत्र अपना काम शुरू कर देगी। कार्य समाप्त होते ही यह मंत्र तुम्हें छोड़कर मेरे पास वापस आ जाएगी। वत्स, इस मंत्र के उच्चारण से तुम्हारे इच्छित देव तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। इस मंत्र का उच्चारण तुम दोबारा नहीं कर सकते हो। भम काज। गोपाल, गोपाल, अरे गोपाल, 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 नेपाल अंदर ही चलो, देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलिए पंडित जी, चलिए। अरे गोपाल, गोपाल, अरे गोपाल, बदमाश गोपाल, कहाँ छुप कर बैठा है गोपाल? हाँ, अरे गोपाल, गोपाल, अरे गोपाल। नेपाल चाचा, वह है आपका बेटा गोपाल। अरे अरे अरे, वह तो गोपाल, वही गोपाल, वह 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 है गोपाल, वह देखो, वह गोपाल है। अपनी आंख दिखाओ तो। लगता है गैस है। कुछ दिनों तक डाब का पानी, निरामिष बिन मसाले वाले भोजन इनको खिलाना पड़ेगा। नेपाल, बोलिए कविराज। गोपाल की हालत शाम को जरूर बताना। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। नेपाल, कविराज महाशय कुछ भी कहें, लेकिन तुम एक बार मेरे पिताजी को जरूर बुलाना। नेपाल, कविराज महाशय कुछ। हाँ हाँ, वो पंडित जी ठीक ही बोल रहे हैं। कुछ भी हो जाए, पहले तो वो शमशान ही था ना, और उस ऊंचे टीले पर बैठकर चांद बाबा साधना करते थे। ठीक है, जब हम लोगों के साथ साथ पंडित महाराज जी भी कह रहे हैं तो चलो, मैं जाकर साधु बाबा को ले आऊं। चल रे रोहन, मैं भी एक पैर पे तैयार हूँ। क्यों चाचा? ओम ह्रीं ब्रीं क्रीं ब्रीं स्वाहा, ओम अग्नि देव स्वाहा, ओम चामुंडाए स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। हाँ महाशय लोग, भूत के लक्षण कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लग रहा है कोई दिव्य ज्योति घर के चारों ओर चक्कर लगा रही है। क्या बोल रहे हैं तांत्रिक जी? पवित्र ज्योति? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे? यह तांत्रिक ओझा कभी झूठ नहीं बोलता। रात में कल क्या घटना घटी थी क्या आप लोग जानते हैं? इस घटना का पता लगाना है। तांत्रिक जी, जो हुआ है मेरे बेटे के साथ वो, हाँ क्या हुआ है क्या नहीं, वो तो मेरा बेटा ही बता सकता है साफ साफ। तांत्रिक जी, कहाँ है वह? सोया हुआ है। क्या ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है ना, इसीलिए सोया हुआ है। ठीक है, तुम मुझे वही ले चलो। चलिए 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 बाबा जी। ओ गोपाल, उठो उठो, बाबा जी को प्रणाम कीजिए। रहने दो रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं। गोपाल, कल क्या हुआ था बताओ तो। दोपहर के समय मैं शिव मंदिर के सामने खड़ा था।
मंत्र, देव सम्मोहनी मंत्र। अरे तुम तो धन्य हो गए गोपाल, अरे धन्य हो गए। चांद बाबा के आशीर्वाद के साथ साथ तुम्हें देव सम्मोहन मंत्र मिला, तुम चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हो गोपाल। तभी तो मैं सोचता हूँ यह पवित्र दिव्य ज्योति कहाँ से आई। तो अब मैं चलता हूँ गोपाल। आपका दक्षिणा, दक्षिणा। नहीं नहीं नहीं, अब कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं उस टीले के पास जाकर चांद बाबा की समाधि पर बैठकर साधना करूँगा, जिससे चांद बाबा का थोड़ा सा आशीर्वाद मुझे भी मिल जाए। तो अब मैं चल रहा हूँ। सब कुछ तो समझ गया गोपाल, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई बुद्धि नहीं दिखती है। अब होगी असली कहानी, अर्थात मुझे किस प्रकार बुद्धि मिली। इस घटना के बाद कुछ दिन बीत गए। मैं नियमित विद्यालय जाता हूँ, मन से पढ़ाई लिखाई करता हूँ। गांव में मैं सबके लिए सुबोध बालक बन गया हूँ, और इसी के साथ साथ चांद बाबा का दिया हुआ मंत्र भी भूलते जा रहा। वर्षा समाप्त हो गई, बादल छट गए और आकाश नीला हो गया, और आ गया माँ के पूजा का समय। और उसी समय दोपहर में मैं विद्यालय से घर वापस आ रहा था, और आते हुए देखा एक व्यक्ति तस्वीर दिखा दिखा कर गाना गा रहा था। गाने का विषय था महिषासुरवध। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, नमो तस्मयी नमो तस्मयी नमो तस्मयी नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमो नमः। तस्वीर में ब्रह्मा को देखकर मैं व्याकुल हो गया। मैं सोचने लगा यदि एक मनुष्य के चार हाथ चार सिर हो तो उनका असली रूप कैसा होगा। मैं सीधे दौड़े दौड़े नदी के किनारे पहुंच गया। कोई नहीं है, बिल्कुल निर्जन है। चलो अब मंत्र पाठ करूं। ओम ह्रीं देवताये नमः, ओम विश्व परिपानायते नमः, ओम ब्रह्मा देवताये नमः, ओम मंत्रो रोज बंधनाये नमः, ओम देवताये नमः। प्रणाम साधु महाराज। आयुष्मान भव। वत्स। ब्रह्मा विष्णु देवाधिदेव महादेव आदि देवताओं को छोड़कर अन्य समस्त देवताओं का भी इस मंत्र द्वारा आह्वान कर सकते हो। ठीक है साधु महाराज, तो अभी मैं किसका आह्वान करूं? आश्विन का महीना है, दुर्गा पूजा का समय है। ठीक है, चतुर्मुख ब्रह्मा को नहीं देख सकता, लेकिन 10 भुजाओं वाली माँ दुर्गा तो देख सकता हूँ। वही ठीक है। ओम ह्रीं देवताये नमः, ओम विश्व परिपानायते नमः, ओम दुर्गा देवियोई नमः, ओम मंत्र रोज बंधनाये नमः, ओम देवताये नमः। बोल पुत्र, किसलिए मुझे बुलाया है? माँ, एक साथ 10 हाथ वाले मनुष्य मैंने नहीं देखा, इसलिए सोचा एक बार आपका दर्शन करूं, इसीलिए आह्वान किया। ये मुझे बुलाया है, बिना वर दिए मैं तो जा नहीं सकती। क्या वरदान दोगी माँ? अमरत्व। फिर वो नहीं दे सकती, क्योंकि मनुष्य होकर जन्म लिए हो तो मरना तो पड़ेगा ही, मगर हाँ एक वर दे सकती हूँ। मेरे हाथ में है मधु, इस मधु को पान करने से तू बहुत ही ज्ञानी हो जाएगा। और इस हाथ में है मेरे दूध, इस दूध को पान करने से अर्थ प्राप्त करोगे। अब तुम सोचो, दूध पीना है या मधु, तू कौन सा पिएगा? माँ, मैं बहुत गरीब हूँ, दूध या मधु कोई नहीं देखा, इसलिए दोनों को ही एक साथ देखना चाहता हूँ। ले फिर। लेकिन माँ, दोनों को एक साथ देखूंगा तो इससे इनके गुण नष्ट तो नहीं हो जाएंगे ना? ना। ठीक ठीक है माँ। सचमुच अमृत है माँ,
क्या किया तू? ये क्या किया गोपाल? क्यों माँ, भूल तो कुछ नहीं हुई? सोच के देखो माँ, ज्ञान के बिना अर्थ और अर्थ के बिना ज्ञान दोनों पूर्ण रूप से असंपूर्ण है, इसलिए इन्हें मैं संपूर्ण रूप में ग्रहण किया। तू तो अपना अर्थ तोड़ दिया। कैसे माँ? को एक साथ देखूंगा बोला था। हाँ माँ, यह तो मैं बोला ही था, आँख से देखूंगा या चक कर देखूंगा, यह तो नहीं बोला था ना माँ, इसलिए मैंने अपनी शर्त नहीं तोड़ी। अति उत्तम, तू बहुत ही बुद्धिमान है, मैं तो बहुत ही संतुष्ट हूँ गोपाल। मैं तुझे वर देती हूँ, तू बुद्धि सद्बुद्धि से अपना नाम रोशन करेगा, इतिहास में तेरा नाम जाना जाएगा। इसके बाद से ही हम लोगों का गोपाल बहुत बड़ा ही बुद्धिमान हो गया है। बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो महाराज के पास से हीरे जवाहरात सोने चांदी असरफियां आदि पा रहे हो गोपाल। वह भी ठीक है। अच्छा, और एक प्रश्न करता हूँ। करो। चांद बाबा के कथनानुसार मंत्रोच्चारण के बाद तो तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए, लेकिन याद किस प्रकार से है? वही माँ का दिया हुआ वरदान है, वही दिमागी शक्ति। मंत्र भी तो निश्चय ही याद होगी। है कुछ कुछ, बहुत ही कठिन संस्कृत के शब्द हैं, इसीलिए। तुम्हें याद तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इतिहास में अवश्य ही नाम करोगे, लेकिन एक धोखेबाज और मिथ्यावादी के रूप में। ठीक है, मैं चलूं। देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। कौन किसको टोपी देता, कौन किसको धोखा देता, कौन चोर कौन है साधु, कौन है सच्चा कौन है झूठा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, सच्ची बातें कहानी में लिपटा, खुशियों की दौलत लेकर हंसी का तोहफा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। ऐसा चरित्र बड़ा ही विचित्र, ठुमक ठुमक कर कर देखो नृत्य, ऐसा चरित्र। कानों से सुनो जरा, छुप छाप सोचो जरा, आंखों से देखो जरा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। सच में बहुत खूबसूरत रात है, चारों तरफ चांदनी ही चांदनी फैली है। रुको 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 वत्स, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाओगे? मैं सन्यासी हूँ वत्स, मैं करीमपुर जाऊंगा, तुम्हारे बैलगाड़ी में जगह है क्या मालिक? बिठा लूं? हाँ बिठा लो बिठा लो। चले आइए सन्यासी जी। बच्चों तुम लोगों का नाम क्या है बताओ? मैं गोपाल और ये मेरा दोस्त हरिचरण, हम लोग जात के नाई हैं। अच्छी बात है बच्चों, अच्छी बात है। सन्यासी जी आप अपना परिचय दें। अरे मूर्खो, संसार के सारे मोह माया को त्याग करके सन्यासी बन गया हूँ, अब मेरा परिचय लेकर क्या करोगे तुम लोग? हाँ बताओ।
लग रहा है वर्धमान का सीताभोग का खुशबू आ रहा है। बच्चों, भूल से भी इस मटके को हाथ मत लगाना। क्यों सन्यासी? इस मटकी में नाग है, मैं मंत्र की शक्ति से उसे सुला कर रखा हूँ। जो मंत्र की शक्ति नहीं जानता है, अगर वो इस मटकी को छूते हैं, तो संग संग नाग उसे डस लेंगे और उसकी मृत्यु संग संग हो जाएगी। अब तुम दोनों सावधान रहना। आप निश्चिंत रहे सन्यासी, आपके इस मटकी को हम दोनों कभी नहीं छुएंगे। बहुत नींद आ रही है। बच्चों, कहाँ उतरोगे तुम लोग? हम लोग चांदपुर। मैं करीमपुर से पहले वाले गांव में। मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, करीमपुर आते ही मुझे जरा उठा देना। हाँ हाँ, जरूर जरूर। नारायण नारायण। सन्यासी गहरी नींद में सो रहे हैं। चलो अब जरा मटकी को खोल कर देखते हैं क्या है। नहीं गोपाल, उस मटकी को भूल से मत छूना। क्यों? सुना नहीं, उसमें नाग है। जाने दो, बेकार की बात है। ये देख क्या है इसमें। अरे इसमें तो सीता भोग है। आहा क्या खुशबू है। ओहो बहुत अच्छा। अरे भैया मुझे भी थोड़ा सा दे दो, मुझे भी भूख लगी है। आम आम। वाह बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट है। वाह पेट भर गया खा के। इधर जो करीमपुर आ गया है, ये भी देखो, सन्यासी को उठाना होगा। लेकिन मटकी खाली है। सुनो तब। ओ सन्यासी जी। उठिए सन्यासी जी, करीमपुर तो पार हो गया। ओ बैलगाड़ी रोको, बैलगाड़ी रोको रोको रोको। अरे हुर हुर, अरे हुर हुर, अरे हुर। सन्यासी जी ये लीजिए आप अपना नाग वाला मटकी। अरे 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 अरे, 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 अरे ये कहाँ हुआ, कहाँ गया मेरा एक एक मटकी सीता भोग? आपके नाग के पेट में। देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। जोगी जब एक तारा बजाते बजाते जाता है ना, और गाना गाता है तो उसका शोर बहुत ही मीठा लगता है। आप कुछ भी कह लो, एक तारा का धुन मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता। मीठा सुर तो सितार का लगता है। बेकार की बातें मत कीजिए, दोनों से ज्यादा अच्छा सुर है तो बिनाई का। हमारे पास के घर की एक लड़की बहुत अच्छा बजाती है। नहीं नहीं, सबसे अच्छा धुन है तो वो है तानपुरा का। हमारे पास के घर का एक लड़का तानपुरा बजाकर इतना अच्छा गीत गाया था। उसका गीत सुनकर मेरा मन भर आया। बहुत ही मीठा गीत गाया था भगवान का। ओहो, इसी बात को लेकर हम लोग आपस में क्यों झगड़ा करें? एक काम करते हैं, हम किसी से पूछते हैं जाकर। हाँ हाँ, सच में जैसा आपका ये कितारा, उनका बीना और मेरा सितार। हाँ, हमारा नाई का बेटा गोपाल बिना पढ़ा लिखा होकर भी बहुत दिमाग है उसके अंदर। चलिए हम लोग जाकर उसी से पूछते हैं। हाँ हाँ, चलिए चलिए पूछते हैं।
सच में लक्ष्मी खाना बहुत ही स्वादिष्ट वाना था। नौकर चकर रखना मगर खाना तुम ही बनाना अपने हाथों से, ठीक है? गोपाल गोपाल घर में हो कि नहीं? सुनिए कोई आ रहा है, मैं जा रही हूँ अंदर। गोपाल गोपाल घर में हो कि नहीं? अब लोग आइए आइए। आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। तो फिर कैसे याद आया? हाँ बेटा गोपाल, एक समस्या को लेकर हम तीनों तुम्हारे पास आए, इस समस्या का समाधान कर दो बेटा। हाँ हाँ, बिना काम के कौन मेरे पास आता है? तो बताइए क्या समस्या है आप लोगों का? गोपाल, हम तीनों में बहस हो रहा था कि किसका सूर सबसे ज्यादा मीठा है। तो आप लोगों को कौन कौन सा सूर अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है एक तारा और बीना, और इनको तनपुरा और उनको सितार। ये तो बहुत ही सोचने का बात है। क्या किया जाए क्या किया जाए। पैसा गिर गया। ये मेरा पैसा है, मेरे जेब से गिरा है। नहीं नहीं, ये मेरा पैसा है, मेरे जेब से गिरा है। ये क्या? अब लोग समझ नहीं पाए, जब मैं इस पैसे को आप लोगों के सामने गिरा दिया, तब आप लोग कैसे 10 साल के बच्चे जैसा पैसे को देखकर बचपना करने लगे। इस सुर को सुनकर आप लोग चारों तरफ से ध्यान हटाकर मेरा है कहने लगे, इसलिए सबसे मीठा सुर है पैसों का। गोपाल तुम गलत समझ रहे हो, लोग बजने वाले यंत्रों के बारे में बोलने आए थे। बजने वाला यंत्र के बारे में जानते हैं? बजने वाला यंत्र नहीं, ठीक से नहीं। ठीक है तो फिर सुनिए, किसी भी एक धातु को दूसरे धातु से टकराने से जो आवाज उत्पन्न होता है उसी को स्वर कहते हैं। अगर हम किसी भी धातु को नीचे जमीन पर फेंकते हैं तो उससे भी एक आवाज उत्पन्न होता है, और दो सिक्कों को लेकर एक दूसरे में टकरा कर आवाज उत्पन्न कर सकते हैं। और रही पसंद की बात, सबका पसंद अलग अलग होता है, सभी सूर अच्छा है। हाँ हाँ गोपाल, तुम सही कह रहे हो, सबका पसंद अलग अलग होता है। सभी आप लोगों का दया है और मेरे बड़ों का आशीर्वाद है। देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। गोपाल गोपाल घर में हो कि नहीं? लाला जी आइए आइए, कैसे आना हुआ? 1 साल होने वाला है और तुम अभी तक राशन का कर्ज नहीं चुकाए हो। हाँ लाला जी, कुछ दिनों से तंगी चल रहा था, लेकिन अब जल्दी ही दे दूंगा आपका पैसा। अच्छा हुआ गोपाल तुम रास्ते में मिल गए, मैं तुम्हारे घर पे जा रहा था। क्या हुआ गोपाल, आज दूंगा कल दूंगा रोज रोज बहाना बना रहे हो? सच सच बताओ तुम मेरा पैसा कब दोगे? 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक दिए नहीं हो तुम। मैं देवी देवताओं का कसम खाकर कहता हूँ, मैं परसों तुम्हारा पैसे दे दूंगा। याद रखना, तुम परसों मेरा पैसा दे देना। अगर तुम परसों मेरा पैसा नहीं दिए तो मैं महाराज से जाकर शिकायत करूंगा, समझे? मैं दे दूंगा। मालिक, आज गोपाल राशन का पैसा देने वाला था। पैसे दिया है? नहीं, पैसे नहीं दिया है, और घर पे 2 बार लोग भेजा था लेकिन खुद नहीं आया। ठीक है, देखता हूँ कैसे मेरा पैसा नहीं देता है।
प्रणाम महाराज। कौन हो तुम, क्यों आए हो? महाराज महाराज मैं इस राज्य का एक छोटा सा बनिया हूँ, मुझे पे एक समस्या है। तो बताओ क्या समस्या है? महाराज आपका विदूषक गोपाल एक साल पहले मेरे दुकान से राशन उधार लिया था और बोलता है आज दे दूंगा कल दे दूंगा, लेकिन मेरा पैसा आज तक नहीं दिया, कुछ कीजिए महाराज। ये क्या गोपाल, तुम चारों तरफ से कर्ज क्यों ले रहे हो? ए क्या गोपाल, तुम्हारे कर्जदार राज्यसभा तक आ गए हैं? जी 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 जी, ये राज्यसभा ही या कर्जदारों का दफ्तर है। चुप हो जाओ तुम सब, गोपाल क्या लाला जी सच बोल रहे हैं? जी हाँ महाराज। तो इनका कर्ज तुम कब दोगे? महाराज सच बात तो ये है, उधर राशन बहुत लाया हूँ, लेकिन एक साथ सारा पैसा नहीं दे सकता हूँ मैं, इसलिए मैं धीरे धीरे उनका पैसा चुका दूंगा। ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा 10,000 10 महीने में चुका देना होगा। आपका 10,000 नहीं 5,000 है, 5 महीने में दूंगा। 10,000 देना है? नहीं 5,000 है। आपस में लड़ो मत दोनों, लला जी आपका हिसाब दिखाइए। ये लीजिए महाराज। सच में गोपाल तुम्हारा तो 10,000 है, कहाँ दिखाइए महाराज। ये बात झूठे है महाराज, मैं राशन लेने गया था तो सिर्फ दाल लिया हूँ, घी नहीं लिया हूँ महाराज, और ये घी का हिसाब किए है, ये तो गलत है ना? देखिए महाराज, देखिए गोपाल कितना झूठ बोलता है, बिना घी का कोई दाल खाता है महाराज। विश्वास कीजिए महाराज, मैं गरीब हूँ, रोज रोज कहाँ से घी खाऊंगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ गोपाल, मुझे लगता है लाला जी सच बोल रहे हैं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम 10 महीने में लाला का 10,000 दोगे। जैसी आज्ञा महाराज। लाला मैं बहुत जल्द तुमसे बदला लूंगा। एलो लाला 1,000, तुम्हारा 10,000 पूरा हो गया। हाँ गोपाल पूरा 10,000 हो गया। तुम्हारा कर्ज तो खत्म हुआ, पर मैं मुश्किल में पड़ गया, मुझे पैसों की जरूरत है। कर्ज मैं नहीं दे सकता हूँ गोपाल। नहीं, कौन तुमसे कर्ज मांग रहा है? मैं गन्ने के रस से गुड़ बनाया हूँ, अगर तुम खरीदोगे तो। पहले गुड़ देखूंगा फिर खरीदूंगा, समझे? ठीक है, कल आना मेरे घर। हाँ गुड़ बहुत अच्छा है, ये लो गुड़ का कीमत। वे सुनो सब, उठाओ गुड़ और चलो। हाँ क्या बोल रहे हो, ऊपर गुड़ है और अंदर रेत है, ये क्या? विश्वास नहीं हो तो जाकर देखिए। कहा चलो दिखाओ। ये देखिए ये देखिए देखिए। मुझे गोपाल बेवकूफ बनाया, अभी जाकर उससे पूछता हूँ। ओहो क्यों गुस्सा हो रहे हो लाला जी, तुम जैसे घी के बिना दाल नहीं बेचते, वैसे ही मैं रेत के बगैर गुड़ नहीं बेच सकता हूँ, समझे?